सनातन धर्म में मंदिरों के निर्माण की परंपरा काफी पुरानी है। यहाँ अति प्राचीन समय से पूजा स्थल के रूप में मंदिरों का विशेष महत्व रहा है। भारत में बने इन मंदिरों में से कई मंदिर आज भी रहस्य बने हुए हैं। ये रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। यानी ये मंदिर आज की तारीख में जैसे हैं, उनका होना भी समझ से परे है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बता रहे हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का इतिहास काफी पुराना एवं रोचक माना जाता है। दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर हुगली नदी के तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर से जुड़ी हुई है। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक ऐसा मंदिर है जिसमें काली माता की सबसे बड़ी मूर्ति रखी हुई है। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति काली माता की इच्छा से स्थापित हुई है। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाता भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ था। ये मंदिर बहुत ही अद्भुत एवं चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1847 को प्रारंभ किया गया था। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1855 को पूरा हुआ था। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक कहानी भी कही जाती है। प्राचीन समय में पश्चिम बंगाल में एक रासमणि नाम की रानी रहती थी। वो रानी बहुत ही धनवान थी, लेकिन वो जिस भी व्यक्ति से शादी करती वो मर जाता था। इस बात से वो रानी बहुत दुखी थी। उसी रात रानी रासमणि को एक सपना आया। उस सपने में माता काली ने रानी रासमणि को दर्शन दिए और जब रानी रासमणि की आंख खुली तो वो मंदिर बनवाने के लिए जगह की तलाश करने लगी। रानी रासमणि के अथक प्रयासों से दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण 1855 तक पूरा कर लिया गया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में मां काली के अलावा शिव और कृष्ण का भी मंदिर है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।